अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मेवा तक। दोस्तों आज हैं हमारे साथ अरशद सिंगर बिसरू, आप जानते ही होंगे। आज उनसे पूछने वाले हैं हम कुछ सवाल, क्योंकि उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे चैनल पर है। तो चलिए पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। उनसे हमारा पहला सवाल ये है कि 26 जनवरी को उन्होंने सैनिकों के लिए एक गज़ल लॉन्च की थी, उस गज़ल को YouTube पर बहुत बार देखा गया, एक बेहतरीन गज़ल थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी वो गज़ल, मैंने उसे कई बार सुना था। मैं अरशद सिंगर से पूछना चाहता हूँ गज़ल को लॉन्च करने का क्या कारण था। तो अरशद जी आप बताइए कि जो आपने गज़ल लॉन्च की थी 26 जनवरी को, उसका क्या कारण था? जी सर, देखिए उसका जो मेन कारण था बनाने का वो ये था कि जैसे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जितने भी हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, चाहे वो मुगलों से युद्ध हो, चाहे वो अंग्रेज़ों से युद्ध किया हो, या फिर आप पाकिस्तान से हो, या फिर चीन से हो, या अदरवाइज किसी आतंकवाद से हो, तो क्या है कि वो सारे शहीद फौजी जिन्होंने अपने वतन के लिए जान दी है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिंगर गाने बनाते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक गिफ्ट आज 26 जनवरी के दिन अपने शहीदों के लिए मैं दूँ, तो इसीलिए मैंने वो गज़ल लॉन्च की थी ताकि सेना का मनोबल बढ़े और जो उनका गिरता जो ग्राफ है वो एक तरह से लोगों की नज़र में, प्रशासन सरकार की नज़र में वो बढ़ना चाहिए, हर प्रकार से उनको इज्जत, क्योंकि इस देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक मैं मानता हूँ सैनिक को, इसलिए मैंने उस गज़ल को लॉन्च किया था इनका हौसला बढ़ाने के लिए। हमने देखा है कि आपने अभी तक बहुत सी गज़लें सामाजिक लोगों के लिए गाई हैं, चाहे वो किसी मुद्दे के जरिए से हो या फिर इस समाज को ऊंचा उठाने के जरिए से हो। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, जिस तरह से आपने समाज के लिए गाया है, कि आपको समाज का साथ मिला है? जी देखिए बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो हमारा जो समाज है वो ऐसा नहीं है कि कोई मैं एक मुस्लिम समाज के लिए, बल्कि जो भी हमारी 36 बिरादरी है, मैं सभी के लिए जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, और 36 बिरादरी की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है। आपने देखा ही होगा बहुत सारे ग्राम पंचायतों में मुझे सम्मान मिला है, सरपंच लोगों ने, विधायक लोगों ने, बहुत सारे समाज जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से, और अभी बीते दिनों में मुझे डीजीपी साहब का मैंने प्रोग्राम किया था, और देश के ऐसे ऐसे बड़े न्यूज़ चैनल जैसे ABP न्यूज जैसा चैनल जो एक आज का बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल वर्ल्ड लेवल का, उन्होंने मुझे उठाया है, प्रमुखता से मुझे जगह दी है, तो मुझे समाज का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। जो भी मैं कुछ आज हूँ वो सिर्फ समाज के प्यार की वजह से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। कि आपकी आवाज़ में इतना दर्द है, मैंने आपकी काफ़ी गज़लें सुनी हैं और लोगों ने भी सुनी हैं। जैसा कि सलमान अली एक मेवात का उभरता हुआ कलाकार है जिसने अभी इंडियन आइडल 10 को विन किया है, तो आप इंडियन आइडल तक क्यों नहीं पहुंच पाए? जो सलमान अली है वो एक अच्छा कलाकार है, और उसमें और मेरे अंदर कहीं ना कहीं ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो एक मीरासी समाज से, मैं एक मेऊ समाज से हूँ। हमारे जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हमें ये तालीम दी जाती है कि भाई चलो जंगल में खेत भराओ, ये करो वो करो, लेकिन उनके लिए म्यूज़िक की तालीम दी जाती है, उसके पास एक तरह से विरासत है, दादा परदादा उनकी, उनके पास विरासत है, उनका पूरा जो ख़ानदान वो संगीत से जुड़ा हुआ है। बावजूद उसके मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मेरे पास किसी की विरासत नहीं है, ना मुझे कोई परिवार का साथ मिला है, उसके बावजूद मैंने यहाँ तक अपना नाम रोशन किया। दूसरी बात मैं ये बता दूँ, इंडियन आइडल तक मैं क्यों नहीं पहुँच पाया, क्योंकि इंडियन आइडल तक मैं पहुँच नहीं पाया, बल्कि मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जिस तरह एक चुनाव लड़ते हैं, एक विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ता है और एक किसी बड़ी पार्टी के टिकट से लड़ता है, फिर उस बड़ी पार्टी के जिसको टिकट मिलता है उसका नाम तो थोड़े दिन के लिए होता है, लेकिन जो निर्दलीय होता है जो जनता उसे जिता देते हैं, तो जो जीतेगा वही सिकंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं, जो लोग इंडियन आइडल करा रहे हैं इस टाइम, वो लोग इंडियन आइडल, उनसे पहले इंडियन आइडल था ही नहीं, वो लोगों ने ये इंडियन आइडल सिर्फ चलाया है, यानी कि अपने पैसे कमाने के लिए, बच्चों को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देने के लिए चलाया है। तो जिसके अंदर हुनर है वो खुद भी सिंगर बन सकता है, तो मैं जो भी काम करता हूँ वो मैं अपनी मर्जी से, अपने टैलेंट से करता हूँ, मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम पर आप जनता के लिए क्या क्या चीज़ें लाने वाले हैं या फिर लॉन्च करने वाले हैं? सर देखिए, आने वाले टाइम में मैं नेक्स्ट टाइम एक और गज़ल लॉन्च करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ दोनों समाजों में ऐसे शरारती तत्व होते हैं कि जो मेरा नाम सिर्फ मुस्लिम समाज से जोड़कर चलते हैं, कि अरशद सिंगर बिसरू जो मेवात के गज़ल गायक है वो मुस्लिम समाज के लिए ज़्यादा गज़ल वगैरह लॉन्च करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी चोटी कांड पर एक गज़ल आई थी, क्या चुटिया मुसलमान की लड़कियों की नहीं कट रही थी, बल्कि वो हिंदुओं की भी कट रही थी, तो वो सभी समाजों के लिए मैंने गाई थी। इस तरह से मैंने अभी जो अपने देश के लिए जो मैंने गज़ल लॉन्च की वो कोई मुसलमान फौजियों के लिए नहीं गई, बल्कि वो पूरी 36 बिरादरी से जो फौजी जो सैनिक हमारी बॉर्डर पर सबके लिए मैंने गाई। इसी तरीके
वजह से मैं इस बात को इन इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने की नीयत से एक बहुत ही प्यारी गज़ल लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की एकता के ऊपर है। मैं दोनों समाजों को एकजुट करने के लिए वो गज़ल लॉन्च करूँगा। उसके बाद मैं बॉलीवुड में एंट्री मारने वाला हूँ। मैं अपनी बहुत जल्द एक हिंदी एल्बम लेके आऊँगा। तो ये थे हमारे साथ अरशद सिंगर बिसरू, जिनकी गज़लें हम सुनते हैं अक्सर, बहुत ही प्यारे गज़लें इनकी होती हैं। और आज इनका एक्सक्लूसिव इंट्रो हमारे चैनल पर था, जो आपने देखा। उम्मीद है कि आपको ये इंट्रो पसंद आया होगा। ये अपनी गज़लों को खुद ही लिखते हैं, खुद ही कंपोज करते हैं, यानी कि सारा काम खुद करते हैं। ये इनके अंदर एक बड़ा टैलेंट है। आप हमारे यूजर्स के लिए कुछ लाइव गाना गाकर दिखाइए, जिससे हमारे यूजर्स को आपकी आवाज़ देखने को मिले, वो भी लाइव। ये धरती माँ है मेरी, धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना, मेरी इस जिंदगी पे इसके एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जा। सब्सक्राइब कीजिए मेवात तक चैनल को और इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए मेवात की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए।